अब दोस्तों जैसे कि मैं तीन टॉपिक पे बात करूंगा, घी हुआ, आपका शराब हुआ और आपका कोकोनट हुआ, ये तीन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों। अब इसके बारे में बता रहा हूँ कि आप ये फ्लाइट में ट्रैवल करते समय आप कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम साथियों, मैं आपका दोस्त संदीप, आज फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे फ्लाइट में हम ट्रैवल करते समय क्या क्या ले जा सकते हैं और क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं, तो दोस्तों उस वीडियो में काफी सारे लोगों का कमेंट आया था कि भैया हम अपने साथ घी ले जा सकते हैं और जो हमारा कोकोनट है उसे कैरी कर सकते हैं कि नहीं और हम शराब ले जा सकते हैं कि नहीं। तो मैंने इन्हीं तीन टॉपिक को नोट करते हुए इसी तीन टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। तो इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दोस्तों। अब बिना रुके हुए अब वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा घी घी। जैसे कि हम कहीं बाहर जॉब के लिए पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो हमारे घर वाले होते हैं तो हमें घी ले जाने के लिए बोल ही देते हैं, तो उस समय हम सोचते हैं कि हमें एयरलाइंस हमें अलाउ करेंगी अपने साथ ट्रैवल करते समय घी ले जाने के लिए कि नहीं करेंगी, तो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन रहता है तो मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप अपना घी कैसे ले जा सकते हैं, हाँ ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, अपने साथ आप घी ले जा सकते हैं और कैसे ले जा सकते हैं अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों जब हम घी की पैकिंग करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुली पैकिंग करनी है, कहीं लीकेज हो ही ना पाए, क्योंकि लीकेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप पैकिंग करें और आपके साथ जो आपका जो केबिन बैग रहता है उसमें आप घी 100 ml से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। और दोस्तों मतलब जो आपके साथ एक जो चेकिंग बैग रहता है जिसे आप जो आपके साथ नहीं फ्लाइट में जाता है तो उसमें आप घी को आराम से कैरी कर सकते हैं। तो किस तरीके से दोस्तों, जैसा कि आप जा रहे हैं तो जाने से पहले आप आपकी मतलब पास में एयरपोर्ट है, 1-2 घंटे में आप आराम से पहुंच जाएं, तो आप घी को क्या करें, एक आप फ्रीजर में रख के उसको जमा लें, सॉलिड फॉर्म में कर लें, तो उसको करने के बाद उसमें लीकेज होने के चांस ही नहीं रहेंगे। तो दोस्तों वो आराम से आप कैरी कर सकते हैं और आराम से बिना लीकेज के ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप घी को ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कोकोनट नारियल की। तो दोस्तों क्या होता है, कभी हम पूजा पाठ के लिए या वैसे ही हमारा ऐसे ही मन है ले जाने के लिए तो हम सोचते हैं कि कोकोनट हम ले जाएं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कोकोनट के लिए दोस्तों हमारा जो एयरलाइंस है बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, हम कोकोनट और जो हमारा जो गोला नारियल होता है उसे हम बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते और हम ले जा नहीं सकते हैं। अगर ले गए तो हमें परमिशन से नहीं अंदर ले जाए, आपका जो बाहरी आपका निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप जो आपका जो नारियल है उसे कैरी करने से पहले जरूर ध्यान रखना, क्योंकि नारियल परमिशन नहीं है, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं जैसे घी हुआ, नारियल हुआ, ये आपको एकदम पकड़ते हैं इजली कैच दी फायर। तो इससे क्या होता है, जो आग पकड़ने वाले आइटम्स हैं बिल्कुल भी एयरलाइंस परमिशन नहीं करती हैं। अब बात आती है दोस्तों तीसरे नंबर पर, शराब हम अपने साथ में ले जा सकते हैं तो कितनी ले जा सकते हैं और हम कैसे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उसमें तो अलाउ करते हैं पैसेंजर को पीने के लिए भी, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसमें मैं बता रहा हूँ आप ले जा सकते हैं, दारू को अपने साथ ले जा सकते हैं। दोस्तों ख्याल रखें कि आपका जो केबिन बैग होगा उसमें आप 100 ml से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और ये हमें परमिशंस भी नहीं है इतनी ज़्यादा ले जाएं। हाँ आपके साथ जो चेक इन बैग रहेगा उसमें आप ले जा सकते हैं, क्योंकि 1-2 बोतल हैं आराम से ले जा सकते हैं, लिमिट होती है 5 लीटर से कम ही होना चाहिए। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अल्कोहल की परसेंटेज हमें देखनी पड़ती है, तो वो अगर 1-2 बोतल ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप आराम से कैरी कर सकते हैं और आप अपने साथ में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो मैंने तीनों टॉपिक बताया है दोस्तों, इन तीनों टॉपिक के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों मेरा टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।